जैसा हमने पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं क्रशर ग्राइंडर, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका टॉपिक का नाम है स्क्रीनिंग। क्या होती है स्क्रीनिंग? आज का बेसिक जो इंट्रोडक्शन होगा इसके बारे में होगा। इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा क्या होता है स्क्रीनिंग। ग्रिजली ट्रोवल जो इसके इक्विपमेंट है जिसके द्वारा हम स्क्रीनिंग करते हैं, और पार्टिकल साइज मेजरमेंट जो होती है कि पार्टिकल की साइज कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में हमने आया है। तो ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन, स्क्रीनिंग, सबसे बड़ी बात है कि स्क्रीनिंग होती क्या है। तो स्क्रीनिंग का सीधे सा मतलब होता है किसी चीज को अलग करना, सेपरेट करना। ठीक, तो जैसे हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं, दो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हमारे पास सॉलिड्स, ठीक, उनको उनके साइज के बेस पे सेपरेट करना, ये होती है स्क्रीनिंग। फिर से समझते हैं कि क्या होते हैं। दो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं जो ड्राई अवस्था में, उनको उनके साइज के बेस पे सेपरेट करना होती है स्क्रीनिंग। ठीक, स्क्रीनिंग से हम समझ लेते हैं। स्क्रीनिंग हमारी बहुत टाइप्स की होती है, जो मेनली यूज की जाती है इंडस्ट्री में वो होती है ग्रिजली और ट्रोमल। आज हम मैंने फोकस जो होगा वो ग्रिजली और ट्रोमल पे होगा। आइए देखते हैं क्या होता है ग्रिजली ट्रोमल। सबसे पहले बात करेंगे ग्रिजली की। ग्रिजली के फिगर समझे। ग्रिजली का मेन फंक्शन क्या होता है? ग्रिजली एक इक्विपमेंट है जो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। जैसे अभी हम फिगर में आपको समझाएंगे दिखाएंगे क्या है। ग्रिजली बेसिकली यूज किया जाता है स्क्रीनिंग इक्विपमेंट के लिए, कि स्क्रीनिंग किसी चीज पार्टिकल का कैसे करें, किसी मिक्स पार्टिकल का कैसे करें। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले पहले स्ट्रक्चर देखें किस तरह से दिख रहा है। इसमें ये हमें प्लेट्स दिख रही होंगी, ये मेटल्स बार होती हैं, मेटल्स की पट्टियां होती हैं जो मैग्नीज स्टील की बनी होती है। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 12 से 100 mm की होती है। 12 से 100 mm के बीच इनकी डिस्टेंस होती है। ठीक, और एक मेटल्स बार जो होती है उनकी लंबाई होती है 3 meters की लंबाई की होती है। ठीक है, इसमें क्या तो ऊपर से हम फीड डालेंगे, जिस साइज के हमें प्रोडक्ट प्राप्त करनी होती है उतने साइज के हम मेस यूज करते हैं, मतलब उतने साइज के होल्स वहां कर देते हैं। ठीक, यहाँ से हमें अंडर साइज प्रोडक्ट प्राप्त होगा, बाकी जो ओवर साइज प्रोडक्ट होंगे जो हमें प्राप्त नहीं करने होंगे वो इधर नीचे से मिल जाएगा। ठीक, इनके बीच हमेशा हमेशा ये एक्सिस से 30 से 45 degrees के एंगल पर झुकी होती है। ठीक, अब देखते हैं कैसे। पहले हम जानते हैं अंडर साइड और ओवर साइड प्रोडक्ट क्या होते हैं। अंडर साइड प्रोडक्ट वो पार्टिकल होते हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमें प्राप्त करनी होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है वो होती है अंडर साइड प्रोडक्ट। और ओवर साइड प्रोडक्ट जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे हमें 10 mm की प्रोडक्ट चाहिए तो 10 mm की अगर प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिल गई तो हमारी अंडर साइड प्रोडक्ट, उससे ऊपर के जो होंगे वो हमारे ओवर साइड प्रोडक्ट होंगे। ठीक, अब इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे यूज काम करती है। ऊपर से हम जो मिक्सचर होगा उसे हम मिक्सर को ऊपर से हम फीड करेंगे यहाँ से। ठीक, तो ये दिख रहा है एंगल पे झुका हुआ, तो जो हम फीड डालेंगे वो प्लेन से स्लिपते हुए नीचे आ जाएगी, स्लिप करते हुए। ठीक, तो जब स्लिप करते हुए नीचे आएगी तो जितने साइज का हमें प्राप्त करना होगा प्रोडक्ट वो या इस होल से मेस से पास होकर नीचे आ जाएगा। ठीक, और जो बाकी अंडर साइज प्रोडक्ट होंगे स्लिप करते हुए नीचे बॉटल पर प्राप्त होंगे। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं कैसे होती है। जो मिक्सचर हमारे पास होती है दो तरीके के सामान ले होते हैं, A+B करके, तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त करना होता है यहाँ से हम जब स्लिप कराएंगे तो इनके बीच जो होल्स बनाया उस साइज के जो पार्टिकल्स होंगे वो तो हमें ओवर अंडर साइज प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक, और बाकी जो हमारे प्रोडक्ट प्राप्त होंगे वो ओवर साइज, इनका हमें काम नहीं होता। ठीक, इस वीडियो इसमें बस इतना। अब हम बात करेंगे ट्रोमल के बारे में। ट्रोमल क्या होती है, इसके क्या वर्क होते हैं। अब ये भी एक स्क्रीनिंग इक्विपमेंट है, इसका भी काम स्क्रीनिंग है। इसमें क्या होता है देखेंगे पहले, एक हमारी सिलेंड्रिकल वेसल टाइप की होती है, एक सिलेंडर टाइप की होती है। ठीक, उसके ऊपर क्लोथिंग कर दी जाती है, कि क्लोथ से उसको ढक दिया जाता है। ठीक, इसमें एक शॉफ्ट लगी होती है। इसमें आप देख रहे होंगे तीन तरह के होल्स बने हुए हैं, एक लार्ज साइज ओपनिंग है, उससे छोटी स्मॉल साइज ओपनिंग, और नीचे से डिस्चार्ज। सबसे पहले क्या करते हैं, ये स्टील की हमारी बॉक्स बनी होती है, जो सिलेंडर होती है स्टील की बनी होती है, इधर से हम फीड करते हैं। ठीक, अब इसके बाद की देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले क्या होती है, जो हमारी फीड होती है, जो फीड मिक्सचर होती है उसे इधर से हम इनलेट कराते हैं इस फीड से। ठीक, तो जब ये हमारी 15 से 20 या 15 से 40 RPM की स्पीड चलती है, जो काफी स्लो स्पीड है, स्लो स्पीड इसीलिए चलाई जाती है कि पार्टिकल को पूरी टाइम मिले सेपरेशन के लिए, मतलब अलग हो सके एक दूसरे से। ठीक, तो क्या होती है, फीड हम इधर से किए तो ये जो हमारी घूमती रहती है स्क्रीनिंग, तो घूमेगी तो इस साइज के जो प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ से छन के नीचे आ जाएंगे। मानो यहाँ से 20 mm के प्रोडक्ट चाहिए, तो 20 mm की यहाँ हमारी होल्स बनी होगी, यहाँ से प्रोडक्ट हमारी 20 mm की मिलेगी। अगली इससे बड़ी प्रोडक्ट हमें चाहिए होगी, यहाँ से वो प्रोडक्ट हमारी स्क्रीन होकर मिलेगी। सबसे बड़ी मतलब कोर साइज जो पार्टिकल हमें चाहिए होते हैं वो यहाँ से हमारी
16 आउट बनती है। लेकिन एक ध्यान देने की बात है, अगर हम इसमें तीन होल्स करते हैं, मतलब अगर फील्ड को हम तीन होल से पास करते हैं, तो प्रोडक्ट की संख्या 4 मिलती है, क्योंकि यहाँ से मिलने के बाद हमें जो लास्ट में हेड पे मिलता है, लास्ट में हेड पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो भी तो 4 नंबर का प्रोडक्ट होगा। एक हमारे यहाँ से प्रोडक्ट प्राप्त होगा, दूसरा यहाँ से प्रोडक्ट प्राप्त होगा, तीसरा यहाँ से प्राप्त होगा, लेकिन लास्ट में जो बचेंगे वो हेड इफिशियंस वहां तो प्राप्त होगी। कि फिर से देखेंगे कैसे हुए, जो हमारी फीड मिक्सचर होगी अलग अलग साइज के पार्टिकल की, वो हम यहाँ से फीड कर देंगे एंगल ऑफर से। ये हमारी 15 से 40 आरपीएम पे हमारी सिलेंड्रिकल जो है वो मूव करती जाती है, मतलब रोटेट करती जाती है एक्सिस के पैर मूव करेगी। तो यहाँ जिस होल की प्रोडक्ट हमें चाहिए होती है, मान लो यहाँ 10-20 जितनी एमएम की प्रोडक्ट चाहिए होती, यहाँ हमें उससे प्रोडक्ट हमें छंके मिल जाता है, उससे बड़ी प्रोडक्ट चाहिए होती यहाँ छंके मिल जाएगा, उससे बड़ी यहाँ, और लास्ट में जो हमें बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ये होती है हमारी कार ट्रोमल की। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे पार्टिकल साइज मेजरमेंट। पार्टिकल साइज मेजरमेंट के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। पार्टिकल साइज मेजरमेंट, नाम से पता चला होगा पार्टिकल के साइज कैसे मेजर करते हैं, उसके हमारे पास है, उसके लिए हमारे पास दो तरीके दिए हुए हैं पार्टिकल की साइज कैसे मेजर की जाए। एक तो हमारी यूएस सीम, एक टेलर टेलर स्टैंडर्ड स्क्रीन, ये हमारे पास दो मेथड हैं पार्टिकल की साइज मेजर करने की। ठीक, पहले हम बात करें कि टेलर स्टैंडर्ड स्क्रीन क्या होते हैं। टेलर स्टैंडर्ड स्क्रीन क्या होती है, वे स्क्रीन होती है जिनकी मेश नंबर जो होती है वो 200 मेश की होती है। इसमें स्क्रीन जो होती है वो 200 मेश की होती है। जैसा पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं मेश नंबर क्या होते हैं, एक बार फिर से बता दें, जो मेश नंबर होती है सबसे पहला क्वेश्चन उठता है मेश जो होती है उनकी साइज क्या होती है। मेश जो होती है उनकी साइज हमेशा रेक्टेंगुलर होती है, हमेशा आयत बनी होती है, ना कि ट्रायंगुलर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेश की जो होल्स होती है उनकी साइज क्या होती है, हमेशा ध्यान दें उसका रेक्टेंगुलर आयत की तरह होंगे। ठीक, हमेशा जो टेलर स्टैंडर्ड स्क्रीन होंगी उनकी जो होल्स होंगे वो 200 मेश की होंगी। ठीक, और जो इनकी साइज होल्स की साइज होती है वो 0.074 mm, मतलब इतने mm के पार्टिकल यहां से प्राप्त होंगे वो टेलर स्टैंडर्ड स्क्रीन से। ठीक है, अब बात करते हैं यूएससी3। यूएससी3 इंडस्ट्री में यूज तो ऐसे नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो वर्क होता है वो एक्सपेरिमेंटली होता है, ये लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं। इसमें जो मेस होती है वो 200 से ऊपर लगभग 400 मेस तक की होती है। ये तो हमारी हो गई पार्टिकल साइज मेजर, इससे हमें पता चलता है कि कौन सी पार्टिकल कितने साइज की है। अगर कहीं एक बेसिक क्वेश्चन का होता है कि 14/15 ऐसे लिखा हुआ, 10/15 मेस, तो पूछा जाता है इसका क्या मीन्स है, लेबोरेटरी में ऐसे डेनोट किया है 14/15 10/15 क्या होता है, तो इससे क्या पता चलता है, जो हमारी पार्टिकल है वो 10 मेश नंबर के स्क्रीन से पास हो चुकी है और 15 नंबर मेश के स्क्रीन पर रुकी हुई है आपके, इससे पता चलता है। इस वीडियो में बस इतना ही, और आप देखते रहें केमिकल पीडिया चैनल, और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नई नई वीडियो देखते रहें। थैंक यू।